बिलासपुर जिले में हुए 600 करोड़ के पेट्रोल हैंडपंप मामला घोटाला की गूंज एक बार फिर देश भर में गूंज चुकी है। हाल ही में इसके खिलाफ कांग्रेस ने एक बड़ा आंदोलन करते हुए दोषी सांसद और तत्कालीन कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त करते हुए सांसद का पुतला दहन किया है। साथ ही कांग्रेस ने आरोपी सांसद गुमान सिंह डामोर को निलंबित किए जाने की मांग भी की है। अलीराजपुर झाबुआ रतलाम जिले के सांसद व उनके सहयोगी भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ की गई प्राइवेट कंप्लेंट में गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज होने की बात सामने आई है। सांसद गुमान सिंह डामोर पर आरोप है कि उन्होंने अधिकारियों के साथ मिलकर 600 करोड़ का घोटाला किया है। इस मामले को लेकर कांग्रेसियों ने सांसद डामोर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पूरे क्षेत्र में प्रदर्शन करते हुए जमकर आक्रोश व्यक्त किया, बल्कि उनका पुतला भी दहन किया। भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष महेश पटेल ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के कारण महाभ्रष्ट डामोर के खिलाफ कोई जांच नहीं होने दी गई है। फ्लोरोसिस की गंभीर बीमारी जो इस क्षेत्र के पेयजल से होती है, इसकी वजह वालपुर के पास बेहड़वा से 600 करोड़ की परियोजना तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने शुरू की थी। इस अरबों रुपए में से डामोर ने लगातार भ्रष्टाचार किया है। इससे इस क्षेत्र के सैकड़ों आदिवासी गंभीर बीमारियों से पीड़ित होकर पलायन कर गए हैं तथा बाहर ही उनकी मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि जिला स्वास्थ्य विभाग के पास उनका कोई आंकड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि उन पर भी इस बीमारी की जाँच या इलाज से दूर रहने का दबाव बन रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि डामोर को तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। फ्लोरोसस परियोजना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ अपनी तरफ से जिला प्रशासन को नई एफआईआर लिखाना चाहिए, साथ ही कोर्ट द्वारा लगाई गई धाराओं में गिरफ्तारी होना चाहिए। मैं कल जो न्यायालय ने कुछ दिन पहले सांसद गुमान सिंह डामोर और कई अन्य अधिकारियों के खिलाफ 420 और कई धाराएं लगाई थी, जो 600 करोड़ का फ्लोरेसेस का, जो कि अलीराजपुर जिले और झाबुआ जिले के जब ये टीएमसी थे तो जब का घोटाला था और करीब ये 2-3 साल से इसकी जांच चल रही थी, जो कि जांच में पाया गया और जांच सरकार ने नहीं की, लेकिन कोर्ट के माध्यम से उन्होंने जो पत्रकार महोदय ने जो जांच की थी। और इसकी मैं मांग करता हूं प्रधानमंत्री से कि इसको तत्काल बर्खास्त किया जाए सांसद को और इसकी सीबीआई जांच की जाए। इस मामले में जब सांसद गुमान सिंह डामोर से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो वे उपलब्ध नहीं हो सके, ना ही उनके पास किसी प्रतिनिधि ने इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की। दोपहर न्यूज़ के लिए अलीराजपुर जिले से मनीष अरोड़ा की रिपोर्ट।